कई लोग कहते हैं महाराज जी जिस रुद्राक्ष को हम पहनते हैं उस रुद्राक्ष को कहाँ नहीं पहनकर जाना चाहिए, पांच स्थान बताएं जहां रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाया जाता। कितने स्थान है? पांच। और रुद्राक्ष को पांच स्थान पर पहनकर नहीं जाते, पर रुद्राक्ष के लिए वर्णन किया गया है कि रुद्राक्ष कब कब उतार कर उसको वापिस अभिमंत्रित करना चाहिए। पांच जगह पहनकर नहीं जाना चाहिए और रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करना मतलब सीधा अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, शिवरात्रि के दिन, श्रावण महीने के सोमवार को, प्रदोष के दिन, ये दिन आपके शरीर में जहां पर भी रुद्राक्ष है, आपके गले में अगर आप रुद्राक्ष पहने हो, आपके हस्त कमल में आप रुद्राक्ष पहने हो, आपने अपने पास में कहीं रुद्राक्ष रख रखा है, तो उस रुद्राक्ष को अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि या श्रावण का सोमवार या प्रदोष आदि, इस दिन उस रुद्राक्ष को एक बार दूध में धोने के बाद उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल अवश्य लगाना चाहिए। क्या होगा उससे? उससे होगा क्या, शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज रुद्राक्ष को दूध में धोने के बाद, स्नान कराने के बाद, जल से स्नान कराया, थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दिया, महाराज क्या मिलता है उससे? तो कहा उस रुद्राक्ष में बल प्राप्त होता है। कौन सा बल? जो शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ती हैं उस बीमारी को वो रुद्राक्ष धीरे धीरे समाप्त करना प्रारंभ कर देता है। पर एक और चीज याद रखना, जिस रुद्राक्ष के पानी को आप बीमारी के समय पर गलाकर पीते हो उसमें सरसों का तेल नहीं लगाना, उसमें सरसों का तेल नहीं लगाना, उसको तो आप केवल स्नान कराओ दूध से, जल से, और फिर उसको गला दीजिए, उसका पानी आप पीना चालू कर दीजिए। जिसको बड़ी बीमारी होती है उसके लिए कलकत्ता में वर्णन किया रुद्राक्ष के जल, रुद्राक्ष का जल पिया जाता है शरीर के अंदर से रोग को, बीमारी को हटाने के, रोग बीमारी को समाप्त कर। तब पांच स्थान बता दिए, पांच जगह बता दी, पांच स्थान निश्चित कर दिए जहां पर रुद्राक्ष को पहनकर नहीं जाना। पहला, किसी की मृत्यु वाली जगह पर। दूसरा, जहां पर बच्चे का जन्म हुआ, मृत्यु वाली जगह पर सूतक लगती है, जहां बच्चे का जन्म लगता है वहां सावण लगती है, मतलब जीव जाने के बाद दुख का सूतक होता है और बच्चा जब जन्म लेता है तो सुख की सावड़ रहती है, सुख की। दो स्थान, तृतीय स्थान, तीसरा स्थान दिया जहां पर वैश्यावृत्ति होती हो या महाराज मदिरा का पान होता हो, उस स्थान पर रुद्राक्ष को नहीं ले जाया जाता। चौथा स्थान रुद्राक्ष के लिए कहा गया, जिस स्थान पर आपको ज्ञात नहीं है और आपको लगता है कि ये स्थान अज्ञात है, यहां पर कई जगह पर कुछ जीवों की हत्या हुई है या किसी जीव को नष्ट किया गया है, उस स्थान पर रुद्राक्ष को नहीं ले जाना चाहिए। पांचवा, महाराज आपके रुद्राक्ष का जहां अपमान हो रहा है, अपमान से समझ में आ रही है ना आपको बात, एकाएक ढोंगकर पंच में पढ़ा है, कौन ने कहा इतने रुद्राक्ष धारण कर ले, कौन ने कहा है, क्यों ढोंगकर पंच में पढ़ा है? अगर हम रुद्राक्ष गले में पहन लेते और नारी का रजस्वला धर्म आ जाता है, रजो धर्म का समय आ जाता है, वो रुद्राक्ष हम गले में धारण कर रखते हैं, तो वो रुद्राक्ष क्या वो बेकार हो जाता है? पहले एक बात बहुत अच्छे से समझ में, आप सन्यासी हो, जम के बोलो जरा, आप तपस्वी हो, आप साधक हो, आप उपासक हो, या आप बैरागी हो, आप एक गृहस्थी हो, घर में रहने वाली माँ, गोदी में रखा हुआ बालक अगर गंदगी भी कर दे, पूरे कपड़े को भी बिगाड़ दे, तो माँ बच्चे का कपड़ा बदल देती है, और बदल कर माँ को ये जरूरी नहीं है कि उसको साड़ी बदलना, उसको कपड़े बदलना या उसको फिर नहाना। बच्चा जब गोदी में होता है तो माँ की गोद में कितनी बार भी गंदगी कर दे, फिर माँ अपने
अपने कपड़े बार बार नहीं बदलती, उसी कपड़े से काम करती रहती है, उसी कपड़े से सेवा करती रहती है, उसी कपड़े से भगवान का पूजन भी करेगी तो भगवान स्वीकार करेगा, क्योंकि मातृत्व के लिए, माँ के लिए, नारी के लिए छोड़ दिया गया है कि तुम पर हाँ, आप अगर पूजन करने बैठ रही हो तो आपको ये 7 दिन पूजन नहीं करना। पर रुद्राक्ष अगर आप पहन रहे हो, रुद्राक्ष अगर आप धारण कर रहे हो और अपने जीवन की सार्थकता के लिए स्वीकार कर रहे हो, जैसे तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला गले में पड़ी रहती है, तो ये कंपनी का ट्रेडमार्क होता है कि तुम कौन सी ब्रांड के हो। ये कंपनी का ट्रेडमार्क है। तुलसी की माला पहनकर प्राण छूट गए तो बैकुंठ चले गए, और रुद्राक्ष की माला पहनकर प्राण छूट गए तो कैलाश धाम चले गए। ये कंपनी का ट्रेडमार्क। छोटे रुद्राक्ष की माला, छोटा जो रुद्राक्ष होता है उसकी माला, कैंसर का जो मरीज होता है, अगर वो फर्स्ट स्टेज का कैंसर भी है, छोटे रुद्राक्ष अगर अच्छे हैं, 3 मुखी से लेकर 5 मुखी, 7 मुखी, 9 मुखी, 11 मुखी छोटा रुद्राक्ष मिल जाए, उसकी माला अगर पानी में डाल दी जाए और उस पानी को वो मन का ही डाल दो, उसी का पानी थोड़ा थोड़ा कैंसर के मरीज को सुबह दोपहर शाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप कर शंकर शिव का नाम लेकर, महांकाल बाबा का नाम लेकर, विश्वेश्वर विश्वनाथ का नाम लेकर, केदारेश्वर का नाम लेकर, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर अगर वो आचमन करना प्रारंभ कर दे तो कैंसर रोग में भी आराम मिलना प्रारंभ। केवल आचमन ही नहीं करना है, अगर स्त्री है तो अपने उल्टे हाथ पर भी उस मनके की माला को लपेट सकती है। पुरुष है, अपने राइट हैंड में उस माला को, अगर कैंसर से पीड़ित व्यक्ति है, रोग से बहुत पीड़ित व्यक्ति, उसको बल मिलता है, उसको पावर मिलता है, उसको एक एनर्जी, उसको एक तेज मिलता है रोग से लड़ने का। कई लोग कहते हैं महाराज जी रुद्राक्ष को सिद्ध कैसे करना चाहिए, तो शिव महापुराण में एक ही उपाय लिखा है, 108 बेलपत्र पर शंकर का नाम लिखकर समर्पित कर दो, या लाल चंदन चढ़ाकर समर्पित कर दो रुद्राक्ष के ऊपर, या उस रुद्राक्ष को आप अभिषेक में समर्पित कर, या उस रुद्राक्ष को सरसों के तेल में रखकर उसको फिर समर्पित शिव जी को कर। रुद्राक्ष को निकाला, शंकर जी के ऊपर रखा, शिव जी के चरणों में रखा, अभिषेक किया, उसको धारण किया। सिद्ध कैसे करना है तो शिव महापुराण की कथा में एक संवाद बड़ा सुंदर लिखा कि रुद्राक्ष अपने आप में सिद्ध है। मुंबई में एक मेडिकल रिसर्च सेंटर में इस रुद्राक्ष के पानी का रिसर्च किया जा रहा है। आप लोग निकालना कभी आप लोग, तो उसमें निकलेगा आपको, उसका सेंटर का नाम दिया जाएगा कि किस रिसर्च सेंटर में निकाला जा रहा। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।